दो महीना पूर्व मिली युवती की लाश वाले मामले में पुलिस ने मामला सुलझा लिया है। खमरडीही थाना इलाके में एक युवती की लाश मिली थी जिसका गुम इंसान सिविल लाइन थाने में दर्ज था। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि मृतका का नाम संध्या सवे था। युवती की बहन और जीजा ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी। पुलिस ने घटना में एक महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना खमहारडी इलाके के जब्बार नाला में युवती की हत्या कर शव को फेंक दिया गया था। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन और जीजा ही निकले। पूरे मामले का मास्टरमाइंड मृतका का जीजा लक्ष्मण दीप था। आरोपी ने पत्नी और दो अन्य दोस्तों के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने दोनों साथियों को लाश ठिकाने लगाने 10,000 रुपये भी दिए थे। मामले में पुलिस ने मृतका के जीजा लक्ष्मण, बहन सरिता दीप, तुलेश यादव और सोमनाथ यादव के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने के तहत अपराध कायम कर अग्रिम कार्रवाई की। प्रशांत अग्रवाल, SSP रायपुर। 25 सितंबर को खमाड़ी थाना क्षेत्र में जब्बार नाला में एक डेड बॉडी मिली थी एक महिला की। वो बॉडी अनआइडेंटिफाइड थी और उस समय काफ़ी कोशिशों के बाद भी उसकी पहचान शुरू में नहीं हो पा रही थी। जो मृतिका है उसका मर्डर की जानकारी फाइनली अब खुलासे के तौर पे हो रहा है। उसमें जो मृतिका की बहन और मृतिका का जीजा, इन्हीं दोनों ने इस लड़की का मर्डर किया और साथ में दो और दोस्त थे जो मैंने एक्यूज है लक्ष्मण उसके, इन चार लोगों ने मिलकर के इसका मर्डर किया और इसकी बॉडी खमाड़ी थाना क्षेत्र में एक नाले के पास इन लोग फेंक किया है। और पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से एक तो उन्होंने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में जहाँ पे इनका निवास है वहाँ पे गुम इंसान दर्ज कराया लड़की का, और लड़की की जो स्कूटी थी वो अमलेश्वर के पास स्कूटी छोड़ करके आए। स्कूटी बाद में वो गुम इंसान वाले केस में बरामद भी हुई और एक इसका जो मोबाइल था उसको भी इन्होंने अमलेश्वर के पास फेंका था। तो इस तरीके से पुलिस को मिसगाइड करने के लिए उसका उससे रिलेटेड सामान एक दूसरे डायरेक्शन में फेंका और बॉडी कहीं और फेंकी, गुम इंसान भी दर्ज कराया और उस लड़की की आइडेंटिफिकेशन करने से मना कर दिया। तो इस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करने का बहुत कोई तरीका सीधे तौर पर पुलिस के पास नहीं था। बाद में कुछ जानकारियां जो ह्यूमन इनपुट्स के माध्यम से आई, मोहल्ले में कुछ इस तरीके की र्यूमर्स थी उसको लेकर के उसको पुलिस ने डेवलप किया। तो फिर फाइनली ये सारी बातें खुल करके सामने आई हैं और इसमें मृतका की बहन, मृतका का जीजा और मृतका के जीजा के दो दोस्त, ये चार एक्यूज हैं, उन चारों को गिरफ्तार करके 302 का और 201 एविडेंस छिपाने का और कॉन्स्पिरेसी 120B का, इन तीन धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया गया है। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। क्लिपर 28।